हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज श्याम डाने एंड वेलकम टू माय चैनल एडवेंचर ही जिंदगी है। दोस्तों, आज का वीडियो तीसरा वीडियो है इस सीरीज़ का, यानी देव दर्शन सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है। अगर आपने पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा रहेगा, यानी पंढरपुर और तुळजापुर का वीडियो अगर आपने नहीं देखा रहेगा, तो वो भी वीडियो जाके आप ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग विजिट करने वाले मेरे नेटिव प्लेस वड़गांव में, वहाँ पे हम लोग अलग अलग टेम्पल्स में विजिट करने वाले हैं। उस टेम्पल्स का इम्पोर्टेंस क्या है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि कोई भी एक्साइटिंग मोमेंट आप मिस ना करें। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो को, बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो एक बात कहूँगा जो हमेशा आपसे कहता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्रेस द बेल आइकॉन बटन, ताकि मेरा आने वाला हर नया वीडियो आपको नोटिफिकेशन में सबसे पहले आए। सो गाइज, लेट्स कम विथ अस एंड टेक ब्लेसिंग विथ अस। दोस्तों, अभी हम निकल चुके हैं सातारा से वड़गांव की ओर, जो कि मेरा नेटिव प्लेस है, और सातारा से वड़गांव का डिस्टेंस लगभग 36 किलोमीटर है। कल ही हम तुळजापुर से सातारा में आए हुए हैं। अगर आपने तुळजापुर का वीडियो नहीं देखा रहेगा तो आई बटन में मैं उस वीडियो का भी लिंक दे दूंगा, तो वो वीडियो आप जाके ज़रूर देखिएगा। और तुळजापुर से सातारा का डिस्टेंस लगभग 285 किलोमीटर है। तो चलिए जानते हैं मेरे नेटिव प्लेस वड़गांव के बारे में, और वहाँ हम जा रहे हैं महालक्ष्मी माँ, तुळजा भवानी माँ, भगवान ज्योतिबा जी और भगवान हनुमान जी के दर्शन के लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहे। वड़गांव, जो कि उमरस गांव के नज़दीक है, वो भारत के महाराष्ट्र राज्य में सातारा जिले की कराड़ तहसील में स्थित है। इस उप जिला मुख्यालय कराड़ तहसीलदार कार्यालय से 30 किलोमीटर दूर और मुख्यालय सातारा से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। 2009 के आंकड़ों के अनुसार वड़गांव में ग्राम पंचायत है। गांव का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 660.83 हेक्टर से। गांव की कुल जनसंख्या 2203 है, जिसमें पुरुष जनसंख्या 1135 है, जबकि महिला जनसंख्या 1068 है। वड़गांव की साक्षरता दर 73.90% है, जिसमें से 79.47% पुरुष और 67.98% महिलाएं साक्षर है। वड़गांव में करीब 469 घर है। जब प्रशासन की बात आती है तो वड़गांव का प्रशासन एक सरपंच द्वारा किया जाता है। स्थानीय चुनाव द्वारा गांव का प्रतिनिधि चुना जाता है। 2019 के आंकड़ों के अनुसार वड़गांव कराड़ उत्तर विधानसभा क्षेत्र और सातारा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कराड़ सभी प्रमुख आर्थिक गतिविधियों के लिए वड़गांव का निकटतम शहर है, जो लगभग 30 किलोमीटर दूर है। वड़गांव के नज़दीकी गांव कौन से हैं? तो उसमें आते हैं धरवरवाड़ी, मस्करवाड़ी, चोरजवाड़ी, चोरा, साकरवाड़ी, शिरगांव, वजेवाड़ी, पार्ले, भुयाचीवाड़ी, इंदौली और कोरिवले गांव। तो दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं गांव के सबसे पहले मंदिर में, जो कि है महालक्ष्मी जी का मंदिर, और ये मंदिर इस गांव का सबसे पुराना मंदिर है। महालक्ष्मी को भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में वर्णित किया गया है। ब्रह्मांड की स्थायी शक्ति और उनकी रचनात्मक ऊर्जा के रूप में कार्य करते हुए वो अपने दिव्य उद्देश्यों को पूरा करती है। माँ लक्ष्मी के बारे में कहा जाता है कि उनके 8 रूप हैं, जिनको हम अष्टलक्ष्मी कहते हैं, और उनमें से प्रत्येक रूप एक विशेष पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। लक्ष्मी धन, समृद्धि, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों, भाग्य और सुंदरता की अवतार की हिंदू देवी है। वह विष्णु की पत्नी है।
महालक्ष्मी के रूप में भी जानी जाती है। उन्हें सौभाग्य लाने वाली कहा जाता है और माना जाता है कि वे अपने भक्तों को सभी प्रकार के दुखों और धन संबंधित दुखों से बचाती है। लक्ष्मी और महालक्ष्मी को एक ही देवता कहा गया है। लक्ष्मी वास्तव में विष्णु की पत्नी को संदर्भित करती है, जबकि महालक्ष्मी अपने आप में एक सर्वोच्च और स्वतंत्र शक्ति का एक प्रतीक है। नारियल, नारियल को श्रीफल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है लक्ष्मी का फल। नारियल को सबसे शुद्ध फल माना जाता है और इसे घर में रखने से आप देवी लक्ष्मी को अंदर बुला सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, महालक्ष्मी का ये मंदिर इस गांव का सबसे पुराना मंदिर है, लेकिन इस मंदिर का रिनोवेशन 15 सितंबर 2010 को हुआ है। अब चलते हैं गांव के दूसरे मंदिर की ओर, जो कि है भगवान ज्योतिबा जी का मंदिर। दोस्तों, ये है हमारे गांव का मेन चौरा, लेकिन आपको यहाँ पे अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 11:30-12 बज चुके हैं और ज़्यादातर लोग अपने खेतों में रहेंगे। इसकी वजह से आपको गांव में आजू बाजू में कोई नहीं नज़र आ रहा होगा। बात करते हैं भगवान ज्योतिबा के बारे में। ज्योतिबा ने अंबाबाई को राक्षस से लड़ने में मदद की। उसने इस पर्वत पर अपना राज्य स्थापित किया और वह नाथ संप्रदाय से संबंधित है। भगवान ज्योतिबा ने रक्तभोज राक्षस को नष्ट कर दिया और लोगों को रत्नासुर राक्षस के अत्याचार से मुक्त कर दिया। भगवान ज्योतिबा, जो इस भव्य मंदिर में पूजे जाने वाले प्रमुख देवता है, उनको भगवान शिव का अवतार माना जाता है। भगवान ज्योतिबा मूल रूप से तीन आत्माओं या ज्योतियों का एक समामेलन है, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश। श्री ज्योतिबा या केदारेश्वर ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अवतार और ऋषि जमदागिनी के क्रोध का हिस्सा है और उनमें 12 सूर्य की चमक है। यह एक कहानी है कि आदिशक्ति ने त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का एक अंश बनाया, जो उनके अहंकार को कम करने के लिए मूल त्रिदेव से 100 गुना अधिक शक्तिशाली था। जब उसका मकसद सफल हो गया तो उसने अपने नवनिर्माण त्रिदेव को फिर से आने का आदेश दिया, जब वह उसकी मदद के लिए पुकारेगी। जब कोल्हासुर और उनकी सेना अन्यायपूर्वक तरीके से भरे हुए करवीर क्षेत्र में शासन कर रही थी, तब महालक्ष्मी ने करवीर वापस जाने का फैसला किया। इस समय उन्होंने त्रिदेव को बुलाया और वे माता विमल बुंज के हाथों में लौ रूप में प्रकट हुए। दोस्तों, इस मंदिर में और दो मूर्तियां हैं, एक श्री भगवान गणेश जी की और दूसरी मूर्ति है श्री भगवान दत्त जी की। माता की इच्छा जानने के बाद उस ज्योति ने 8 वर्ष के गर्भ धारण करने वाले खड़ग यानी स्वर, डमरू यानी ढोल, त्रिशूल और अमृत पात्र यानी अमृत से भरा बर्तन का रूप धारण कर लिया। दोस्तों, काफी खूबसूरत मंदिर बनाया हुआ है भगवान श्री ज्योतिबा का। चलते हैं दोस्तों गांव के एक और सबसे पुराने मंदिर की ओर, जो कि है भगवान श्री राम जी के भक्त श्री हनुमान जी का। भगवान हनुमान
भगवान हनुमान शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति के लिए भगवान हनुमान जी की पूजा की जाती है और उन्हें भगवान के प्रति उनके निस्वार्थ समर्पण के लिए याद रखा जाता है। भगवान हनुमान को कर्मयोगी का जीवित अवतार माना जाता है, मतलब जिनका ध्यान और भक्ति कड़ी मेहनत या सेवा के माध्यम से प्रदर्शित होती है। हनुमान एक हिंदू देवता और भगवान राम के एक दिव्य वानर साथी है। हनुमान हिंदू महाकाव्य रामायण के केंद्रीय पात्रों में से एक है। वह राम के प्रबल भक्त और चिरंजीवी में से एक है। हनुमान पवन देवता वायु के पुत्र भी है, जिन्होंने कई कहानियों में हनुमान के जन्म में प्रत्यक्ष भूमिका निभाई थी। महाकाव्य महाभारत और विभिन्न पुराणों जैसे कि अन्य ग्रंथों में हनुमान का उल्लेख किया गया है। तो अब जानते हैं दोस्तों कि भगवान हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ। भगवान शिव के संकेत पर भगवान वायु उर्फ पवन देवता ने अंजना के हाथ में खीर रख दी। इसे भगवान शिव का प्रसाद समझकर अंजना ने उसे खा लिया और इस तरह से अपने अवतार पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म हुआ, जिनको बाद में पवन पुत्र हनुमान भी कहा जाने लगा। भगवान हनुमान जी के मंदिर के बाहर ही ये शिवलिंग है और शिवलिंग के बाजू में ही नाग देवता का मंदिर। तो चलो दोस्तों, अभी इस गांव के आखिरी मंदिर की ओर चलते हैं, जो कि है माँ तुलजा भवानी का मंदिर। और आखिर में अब हम आ चुके हैं तुलजा भवानी माता के मंदिर के यहाँ पे। तुलजापुर मंदिर से कई दंतकथाएं जुड़ी है। एक दंतकथा में एक राक्षस मधु कैतब भी शामिल है, जो देवता और मनुष्य दोनों पर कहर बरपा रहा था। कोई समाधान न मिलने पर उन्होंने मदद के लिए भगवान ब्रह्मा की ओर रुख किया। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें देवी शक्ति की ओर मुड़ने की सलाह दी। देवी ने एक विध्वंसक का रूप धारण किया और अन्य सप्त माता वाराही, ब्राह्मी, वैष्णवी, कौमारी, इंद्रायणी और संभवी द्वारा राक्षस पर विजय प्राप्त की और शांति बहाल की। एक और कहानी के मुताबिक भवानी ने एक और राक्षस को समाप्त कर दिया था। उसका नाम महिषासुर था और उसके बाद उसने यमुनाचल पहाड़ी पर शरण ली थी, जो बालाघाट पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है और इसी पहाड़ पर तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है। तो दोस्तों, सारे मंदिरों के दर्शन करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं अपने गाँव के घर की ओर। गांव का खूबसूरत नज़ारा और शांत माहौल देख के मन को काफ़ी सुकून मिलता है, काफ़ी शांत हो जाता है मन। बड़गांव भारत के महाराष्ट्र राज्य के सातारा जिले के कराड़ तालुका में एक गांव है। यह देश या पश्चिम महाराष्ट्र क्षेत्र से संबंधित है। यह पुणे डिवीजन के अंतर्गत आता है। यह जिला मुख्यालय सातारा से दक्षिण की ओर 39 किलोमीटर दूर स्थित है। कराड़ से 14 किलोमीटर और राज्य की राजधानी मुंबई से लगभग 260 किलोमीटर दूर है। मराठी इस गांव की स्थानीय भाषा है। कराड़ सातारा इस्लामपुर माउली वड़गांव के निकट के शहर है। अभी आपके सामने जो दिख रहा है वो है हमारे गांव का घर। इस घर से मेरे बचपन की काफी सारी यादें जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, गुड बाय, टेक केयर, मज़े कीजिए, एडवेंचर कीजिए, क्योंकि एडवेंचर ही जिंदगी है। गुड बाय दोस्तों।